बिग बॉस OTT 3 अब ग्रैंड फिनाले के काफी नजदीक पहुंच चुका है। 2 अगस्त को शो का विनर अनाउंस किया जाएगा और अब घर में सिर्फ 7 ही कंटेस्टेंट्स बचे हैं। लेकिन अब इन कंटेस्टेंट्स को मीडिया ग्रिल करने के लिए पहुंचा है। 28 जुलाई के एपिसोड में घर में मीडिया की एंट्री हुई और उन्होंने सदस्यों से तीखे और चटपटे सवाल पूछे। सबसे ज्यादा तीखे सवाल अरमान मलिक और उनकी पत्नी कृतिका मलिक से पूछे गए। अरमान से उनकी 2 शादियों के अलावा कई और सवाल पूछे गए। वहीं उधर रैपर नेजी से भी कई सवाल किए गए, पर सना मकबूल से अफेयर के सवाल पर नेजी आपा को बैठे और रिपोर्टर्स पर भड़क गए। 28 जुलाई के एपिसोड में बिग बॉस OTT 3 में क्या क्या हुआ, आइए देखते हैं कुछ अपडेट्स। हेलो एंड वेलकम बैक टू फाइनेंशियल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं एंटरटेनमेंट का डेली डोज। सुबह की शुरुआत जिम एरिया से होती है, जहां रणवीर शौरी, अरमान मलिक, साई केतन राव और लव कटारिया के साथ मिलकर गप्पे मार रहे होते हैं और नेजी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं रणवीर कहते हैं कि उन्हें शिवानी और बाकी बेघर हुए लोगों की याद आ रही है। शिवानी उन्हें पसंद नहीं थी और फिर उनकी याद आ रही है। नेजी उधर सना मकबूल के साथ बैठकर बात करते हैं और कुछ पुरानी चीजों पर अपने फैसलों पर सफाई देते हैं। बिग बॉस सभी घर वालों को लिविंग एरिया में बुलाते हैं और बताते हैं कि आज उन पर कई बाहर वालों के सवालों की बारिश होने वाली है, क्योंकि घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सभी घर वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार होते हैं। पहला सवाल लव कटारिया से पूछा जाता है कि विशाल और अरमान के बीच जो झगड़ा हुआ है, उन्होंने जो कन्फेशन रूम में कहा, क्या वो सही था? इस पर लव बोलते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सही किया। सना मकबूल को एक वाक्य बताकर पूछा जाता है कि उनमें दोगलापन क्यों है। वहीं अरमान से पूछा जाता है कि वैसे तो वो अपनी बीवी का सम्मान करते हैं, लेकिन घर में वो खुद ही उन्हें अजीब तरह की बातें बोलते हुए नजर आते हैं। वह उनके कपड़ों पर सवाल उठाते हैं या दूसरों के साथ बात करने पर बोलते हैं। अरमान से पूछा जाता है कि वो कृतिका को जिस तरह गाइड करते हैं, वैसे पायल को गाइड क्यों नहीं करते थे? तो क्या पायल से ज्यादा कृतिका से प्यार करते हैं? अरमान सभी सवालों के जवाब देते हैं और फिर बोलते हैं कि पायल और कृतिका मेरे लिए बराबर है। पायल यहाँ से चली गई है, लेकिन मैंने कृतिका को कभी गेम के बारे में नहीं सिखाया, बस यही कहा है कि तू जैसी है वैसी रहे और इसीलिए वो आज यहाँ है। सना मकबूल से सवाल किया जाता है कि बाहर वाली है, इस बारे में उन्हें पता था पर वो इनकार करती रही और उनकी वजह से सभी घर वाले भूखे रहे। वहीं रणवीर शौरी के साथ झगड़े की शुरुआत उन्होंने ही की थी पर उस बात को कभी नहीं माना। क्या सना का ईगो इतना बड़ा है कि वो किसी को सॉरी नहीं बोलेंगी और झुकेंगी नहीं? सना बोलती है कि उन्होंने रणवीर को सॉरी बोला था। इस पर रणवीर बोलते हैं कि सना ने उन्हें कभी सॉरी बोला ही नहीं। अरमान से पूछा गया कि पायल एक तरफ वीडियो बनाकर कह रही हैं कि वो तलाक लेंगी और दूसरी तरफ वो अपने रिश्ते को मासूम बताते हैं, तो क्या उनका पायल और कृतिका का रिश्ता झूठा है? एक और सवाल पूछा गया कि आपने अपनी चीटिंग को हमेशा जस्टिफाई किया। विशाल पांडे ने कमेंट किया तो आपने उन्हें थप्पड़ मार दिया, तो क्या चीटिंग करना चॉइस है? अरमान जवाब देते हैं कि चॉइस होती तो छोड़ देते ना मैडम, मैं पहले जो भी कर रहा था वो इन दोनों के लिए कर रहा था और अब जो कर रहा हूँ वो भी इन दोनों के लिए ही कर रहा हूँ, मुझे मेरे रिश्ते पता है। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी बीवी को पीटते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं। एक पत्रकार अरमान मलिक पर तगड़ा कमेंट करती है कि आपने एक बीवी के रहते हुए उसकी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली। आप भले ही अपनी बात को जस्टिफाई करते हैं और बहुत मीठे शब्द बोलते हैं, पर आपने जो भी किया वो बहुत गलत था। मैं इसको भी रख सकता हूँ, उसको भी रख सकता हूँ। आपने पहले तो पायल की मजबूरी का फायदा उठाया, इस जगह आप इसे जस्टिफाई नहीं कर सकती। डायन भी सात घर छोड़कर वार करती है, आपने तो अपनी फ्रेंड का ही घर तोड़ दिया और इस कहावत को सच कर दिखाया। अगर आप अरमान की पहली पत्नी होती तो क्या ऐसा करती जो पायल ने किया? कृतिका बताती है कि उनके पायल और अरमान के बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो काफी अच्छे से बात घुमाती हैं और फिर आखिर में बोलती हैं कि अगर ये पायल की जगह होती तो क्या करती, उसी वक्त देखती। अभी कुछ नहीं कह सकती पर वो भी यही करती जो पायल ने किया। रैपर नेजी से सना मकबूल के साथ रिलेशनशिप के बारे में सवाल पूछा गया तो वो बोले कि सना लविंग फ्रेंड है और उन्होंने अपने बारे में सब बताया है और कुछ बातें हैं जो वो उन्हें घर से बाहर जाकर बोलने वाले हैं। सना बोलती है नेजी उनके एक अच्छे दोस्त हैं जो उन्हें उनकी गलती बताते हैं। नेजी से एक और सवाल पूछा जाता है कि आप अभी तक क्या कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या, आप सोए रहते हैं? इस पर नेजी जवाब देते हैं कि ज्यादा फ्री हो रहा है भाई, आराम से सवाल पूछना, मैं ज्यादा मच नहीं करता, जहाँ हाँ बोलना होता है वहाँ हाँ बोलता हूँ। फिर पूछा जाता है कि क्या आपका गेम में इन्वॉल्वमेंट है, सना मकबूल के साथ प्यार में कितनी इन्वॉल्वमेंट है? इसी बात पर नेजी भड़क जाते हैं और पत्रकार पर गुस्सा निकालते हैं। पत्रकार बोलता है कि आप मुझसे ऐसी बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है और बाद में अरमान और कृतिका घर वालों से उनसे पूछे गए सवालों पर बात करते हैं। कृतिका रोती है और अरमान का भी दिल टूट जाता है। वो कहते हैं कि बहुत गंदी गंदी बातें सुनी, अब ये शो से बेघर होना चाहते हैं और फिनाले में भी नहीं आना चाहते।
तो ये थी बिग बॉस OTT3 की कुछ रीसेंट अपडेट्स। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।